हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो बात यह है कि अभी संडे में मैं गई थी सब्जी मंडी, संडे मार्केट गई थी। हमारे घर के पास में एक संडे मार्केट और एक थर्सडे मार्केट लगती है, तो मैं संडे मार्केट गई थी। मुझे लेनी थी पालक, तो जिनके पास साग होता है, हरी सब्जियां होती है तरह तरह के, तो मैं वहां दुकान पे भैया के रुक गई। तो मैंने उनसे पालक पूछी। उनके पास दो तरह की पालक थी, एक थी देसी पालक और एक थी पहाड़ी पालक। तो मुझे लेनी थी पहाड़ी पालक, क्योंकि मैं मोस्टली पहाड़ी पालक ही लेती हूँ। जब मुझे पहाड़ी पालक नहीं मिलती है तभी मैं देसी पालक लेती हूँ। तो मैंने उन भैया से उंगली करके पूछा कि भैया ये पालक कैसे दिए। तो मेरे जस्ट बगल में अंकल आंटी खड़े थे, तो वो आंटी ने अंकल से पूछा, मतलब अपने हस्बैंड से पूछा कि कौन सी पालक है। तो वो अंकल ने बोला कि ये पहाड़ी पालक है। तो वो आंटी ने फिर मेरे से कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या ये पहाड़ी पालक है। मैंने कहा हाँ जी ये पहाड़ी पालक है। ये वीडियो मैं किसी की मजाक बनाने के इंटेंशन से नहीं बना रही हूँ कि क्या बोलते बताओ आंटी को ये भी नहीं पता कि ये पहाड़ी पालक है करके, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जिनके नाम हम लोगों को भी नहीं पता होंगे। उसके बाद फिर आंटी ने मेरे से पूछा इस पहाड़ी पालक की जो सब्जी बनती है वो दूसरी पालक से ज्यादा टेस्टी बनती है। मैंने कहा हाँ जी आंटी उससे ज्यादा टेस्टी बनती है। तो वो आंटी ने एक गड्डी पालक की ले ली, पहाड़ी पालक की गड्डी एक ले ली आंटी जी ने भी। उसके बाद फिर आंटी जी ने मुझसे बोला कि मैं ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आप मुझे बता देंगे कि मतलब इससे साफ कैसे करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आंटी आप ऐसे से करेंगे, इस तरीके से साफ किया जाता है। उसके बाद फिर आप जो रेसिपी बनाना चाहते हैं इससे, पालक पनीर बनाना चाहते हैं, आलू पालक बनाना चाहते हैं, आप वो बना सकते हैं। तो फिर मैं जब घर पे आई तो मेरे माइंड पे क्लिक किया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। जिस तरह से आंटी जी को पहाड़ी पालक के बारे में नहीं पता था, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको पहाड़ी पालक के बारे में नहीं पता होगा। बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पालक की एक और वैरायटी है पहाड़ी पालक, और देखी भी होगी लोगों ने दुकान पे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये पालक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो चलो साथियों करते हैं पालक साफ। तो देखिए साथियों ये है पहाड़ी पालक। इसके पत्ते देखिए इस तरह से होते हैं, ऐसे डिजाइन में बने होते हैं इसके पत्ते, इस तरह से शेप में होते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इसे साफ कैसे करते हैं। पहले इसको हम खोल लेते हैं, जैसे तो खराब पत्ता है इसको साइड कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से एक डंडे में इस तरह से पालक निकली होती है, एक यहां से इस तरह से निकली होती है। इसमें जोन जोन से पत्ते सही दिख रहे हैं उन पत्तों को मैं यहां से साइड से काट लूंगी। जैसे देखिए ये तो पूरा यहां से, मैं इसको यहीं से काट के रख दूंगी। ये पत्ता भी ठीक है, बस टूट गया है, तो इससे भी मैं ले लूंगी, और बाकी जो छोटे छोटे पत्ते हैं ये भी ले लेंगे। देखिए इसी तरह मैंने एक और डंडी उठाई है, ये भी देखिए ऐसे इसमें पत्ते निकले हुए हैं। तो ऐसे ही करेंगे, पत्ता देख लेंगे साफ है तो यहीं से कट कर लेंगे। जरूरी नहीं कि इतना पूरा इसका डंठल लेके ही आपको कट करना है, आप छोटा लेना चाहते हो तो छोटा ले लीजिए, ये आप यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए। लेकिन मैं पूरी डंडी इसलिए ले रही हूँ, यहाँ से मोटी वाली ले रही हूँ, ये पतली वाली डंडी ले रही हूँ मैं पालक के साथ में, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो इन डंडियों में भी है। तो आप चाहते हैं इतना लंबी डंडी के साथ नहीं काटना चाहते हैं तो आप छोटा करके भी काट सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, जो बीच में इसके पालक के बीच से है फूल सा है, मैं इसको निकाल दे रही हूँ। हरी सब्जियां साफ करने के बाद जो वेस्टेज बच जाता है, मटर छिलने के बाद जो उसके छिलके होते हैं, गाजर के जो छिलके होते हैं, मैं तो गाय को खिला देती हूँ। अगर आपको पालक पनीर की मेरी रेसिपी बनानी है, देखनी है, तो मैंने पालक पनीर की रेसिपी अपने चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है। मैं उस पालक पनीर की रेसिपी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ये है पालक का बीज, ये मैं निकाल देती हूँ। तो अगर आप लोगों ने भी आज तक पहाड़ी पालक की कोई भी रेसिपी नहीं बनाई है तो एक बार पहाड़ी पालक की रेसिपी बना के जरूर देखें।
आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी रहेगी आपको इसकी रेसिपी। तो साथियों, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में कभी भी अपलोड कर सकती हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि कभी भी कोई भी मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे छूट ना पाए। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, ताकि अगर उन लोगों को भी अगर पहाड़ी पालक के बारे में नहीं पता है तो उन्हें भी पहाड़ी पालक के बारे में पता लग जाए। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।